नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि हम लोग कैसे व्यू यूज़ करेंगे, यानी कि व्यू बल्क ऑपरेशन। उसके थ्रू हम लोग ने एक व्यू बनाया था जिसमें हम लोग आर्टिकल अपडेट करा रहे थे, और उसमें हम लोग ने इमेजेस के अल्ट टैग और टाइटल टैग जो होते हैं हमारे, वो इमेजेस के हमने अपडेट कराए थे, सभी के लिए अपडेट करा दिए थे। देखिए, सब के लिए आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हम अपने कंटेंट का, हमें ऑथर अपडेट करना हो तो हमें कैसे करना है। तो उसके लिए सिंपल, आपको कुछ नहीं, यहाँ पर चेंज ऑथर ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ एग्जीक्यूट करना है आपको, और रो सेलेक्ट करनी है कि आपको किसको एग्जीक्यूट कराना है। आपको सबको कराना है, सबको कराइए, ठीक है। दो का एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पर जो ऑथर आ रहा है वो एडमिन आ रहा है, और मेरे पास ये कुछ यूज़र हमारे ड्रूपल में जो लोकल मशीन है उसमें ऐड है। तो हम अगर यहाँ पर पॉप वन अगर सेलेक्ट कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं, तो इसका जो ऑथर था, जो अभी तक एडमिन था, वो अब चेंज होकर इन दोनों का ऑथर हो जाएगा पॉप वन, ठीक है। ये देखिए, मैसेज आ गया, परफॉर्म चेंज ऑफ ऑथर इसका अंडर अपडेटेड। तो हम लोग इसको देखना चाहें तो ऑथर इसका, ये देखिए, सबमिटेड बाय पॉप वन, और ये सबमिटेड बाय पॉप वन। बाकी जितने भी हमारे पास थे वो हमारे एडमिन से थे, ठीक है, ये एनोनिमस से। तो ये था दोस्तों कि कैसे हम अपने कंटेंट के ऑथर को अपडेट करें। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल हम लोग कवर करेंगे इसमें कि अगर हमें अपने नोड एलियास, मतलब कि अगर हम बोलें तो, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो इसका यूआरएल जो भी बन रहा है वो कंटेंट स्लैश जो आर्टिकल का नाम है वो बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको यूआरएल को हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें यूआरएल को ऐसे चाहिए कि हमें आर्टिकल आए, उसके बाद हमारा आर्टिकल का नेम आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल चाहिए, आपको पाथ ऑटो, जो कि मैंने अभी पिछले डिस्कस किया था कि पाथ, अगर आपको नोड एलियास अपडेट कराना है तो आपको पाथ ऑटो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारे पास, जब आप पाथ ऑटो अपडेट कर लोगे तो आपको ऑप्शन आएगा सर्च एंड मेटा टैग में, जो कि हमारी कैटेगरी, उसके अंदर आपको हमारा यूआरएल एलियास करके आएगा, और यहाँ पर आपका पैटर्न, जो कि पैटर्न हमारा ये पेज है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सभी आर्टिकल के लिए जितने भी हैं हमारे पास, उसका पैटर्न हमारे पास सेट करने को ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर कंटेंट पाथ पैटर्न फॉर ऑल आर्टिकल पाथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वो जो ये चल रहा है, कंटेंट स्लैश नोड आईडी, सॉरी नोड टाइटल, जो भी हम लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर्टिकल, आर्टिकल्स स्लैश नोड, यानी कि आर्टिकल का नाम, यानी कि जो हमारा टाइटल, ठीक है। तो ये हमारा वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब जो आर्टिकल्स के लिए जो अब नोड बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अभी आप, मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि इसका जो ये था, ठीक है, यूआरएल ये था। अब इसको मैं क्या, नीचे जाके यहाँ पर सेव कर देता हूँ, सेव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सेव हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने वीबीओ जो हमने बनाया था बल्क ऑपरेशन के लिए, एग्जांपल ऑफ वीबीओ, इस पर हम जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और पहले वाले को हम अपडेट कराते हैं। तो ये रहा हमारा अपडेट नोड एलियास, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कन्फर्म करेगा, कन्फर्म करते हैं, परफॉर्म अपडेट एक नोड एलियास जो है हमारा अपडेट हो गया। अब देखते हैं हम इसका यूआरएल क्या बन रहा है हमारा। ये देखिए दोस्तों, अब जो हमारा यूआरएल इसका बना, आर्टिकल स्लैश ये बना। तो दोस्तों, ये था कि हम अपने, आप सबका भी कर सकते हैं क्योंकि ये बल्क ऑपरेशन है, तो एक सेलेक्ट करके एक साथ कर सकते हैं। तो ये था कि हम कैसे नोड एलियास अपडेट करें, ठीक है, अपडेट नोड एलियास। अब हमारे पास बचा मॉडिफाई एंटिटी वैल्यूज़, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको ये आर्टिकल, दोनों आर्टिकल सेलेक्ट किए, मॉडिफाई एंटिटीज़ वैल्यूज़ एग्जीक्यूट किया, तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कि क्या क्या, टाइटल, लैंग्वेज, स्टेटस, आपको ये, मतलब इतनी सारी आपको वैल्यू है, इतनी सारी चीज़ें आप अपडेट करा सकते हैं। तो इसके थ्रू आप बॉडी भी अपडेट करा सकते हैं, इमेज भी एक साथ अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। तो हम बॉडी में कुछ अपडेट करा के देखते हैं, ठीक है। हाय, दिस इज न्यू बॉडी, ठीक है, ये हम लोग अपडेट कराते हैं। नेक्स्ट, कंफर्म, प्रोसीड, एग्जीक्यूट, देखिए अपडेट हो गया, दोनों बॉडी अपडेट हो गई, जो कि हमने एक मैसेज लिखा था, हाय दिस न्यू बॉडी, दिस इज़ लिखना भूल गया, सॉरी।
तो दोस्तों ये था कि कैसे हम अपने मॉडिफाई एंटिटीज़ वैल्यू को यूज़ करें। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिलीट, या बल्क में भी डिलीट कर सकते हैं एक साथ सबको। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कन्फर्म आ गया डिलीट, कन्फर्म डिलीट, ये हो गया आपका डिलीट, जो दो एंट्री थी वो आपकी रिमूव हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों कि कैसे हम अपने बल्क ऑपरेशन को अगर हमें यूज़ करना, जो कि CMS के पर्पज़ से बहुत ही यूज़ होता है, कि आपके पास कोई भी अगर CMS की वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारे URL होंगे जिनको इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा, कि नोड अपडेट करना पड़ेगा या इमेजेस अपडेट करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम सिंपल व्यू बना के और बल्क ऑपरेशन के जो एक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए नमस्कार।